अखबार के विच एक बार पढ़ी आ कुछ दो एमसीआं ने साडे ने साडे ते दोष लाए आ अखबार के विच तुसीं भी पढ़े होणे आ। असीं उस दे संबंध विच प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो भी इन्हां दोष लाए है वह राजनीति तो प्रेरित है और सारे ही झूठे है। शुरू तो नकार दां जी, यह हुण इस टाइम इहदी पोजिशन जदों उपर ते इनकुआरी होनी ना, कल्ले कल्ले टेंडर की इनकुआरी होनी ना, जिहड़े ने चहेतिआं नूं टेंडर दित्ते आ। तुम दसो मेरी औकात 10 रुपए की हो, मैं 100 रुपए का काम कर सकता। मैं म्यूनसिपलिटी का एमसी पार्क बना रहा, म्यूनसिपलिटी का एमसी आंगनीवाड़ा। अज अखबार के एक बार पढ़ी आ कुछ दो एमसीआं ने साडे ने साडे ते दोष लाए है अखबार के भी पढ़े होने हैं। असी उस दे संबंध में प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो भी इन्हां दोष लाए है वह राजनीति तो प्रेरित है और सारे ही झूठे है। उन्होंने जांच की मांग की है, वो विजिलेंस तो सीबीआई तो जिस भी अपना सोसाइटी तो जिस तो भी जांच कराना चाहते करवा सकते। असी हर तरह की जांच लिए तैयार है, किसी तरह का कोई घपला नहीं होया, तो किसी तरह की कोई ठगी नहीं, कोई हरेक काम प्रोपर चैनल के अनुसार होए है। और जेडे दो एमसी है इन्हों का असल मकसद है, जिमें सरकार चेंज हुई है ये प्रधानगी दौड़ के नठ्या होया, इन एक जो कि बंटी वाली है वो कमलजीत है। ये मेरे को 5-4 महीने पहला भी इतने आए थे दफ्तर के मैं बैठा सीगा, यह गल मैं तख्त साहब गुरुद्वारा सीसगंज साहब हाजिर नाल जान के कहिंदा, ये मेरे को दोने आए कि सानू महीना लाओ कमेटी वल, तुम महीना देना शुरू करो। मैं क्या भी किस गल का महीना तुहानू तनखा मिलती है, भी तुहानू अपने प्रोपर मीटिंग के भी पैसे मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं। ये कहते नहीं साडा खर्चा निकलना चाहिए। मैं क्या भी देखो ना, मैं कभी कोई ठगी की ना मैं तुहाडे करके करनी, हाँ कोई होर तुहानू सुख दुख में मेरी कितने लोड़ है मैं अपने निजी तौर पर तुहाडी मदद कर सकता है। तो ये हर पासे इसी ओड के घूमे हुए कि कितने पासे तो पैसे बन जाए। हुण इन्हां ने जिहड़ा काम फड़िया होया है ये पक्के तौर पर जाके कचहरी के बैठ गए एक खोखे से, उत्थे एक साबका एमसी का खोखा है जिहड़ा पहला भी विवादों के रहा, हुण इन्हां ने वो खोखा संभाल लिया होया। उत्थे पर रिश्ती लोगों को 500-500 रुपए लै रहे हैं, तो इन्हों असी इस संबंधी ताड़ना की कि तुम ये काम बंद करो। इस गलों तो साढ़े खिलाफ़ भी झूठे दोष ला लग पे। रेहड़ियाँ फड़िया वाले तो यह पैसे मंगते फड़े गए, रेहड़ी फड़िया तुम्हें भी देखे खबर भी लगियां, धरना भी लगया उन्हें इन्हों के खिलाफ। उदो भी मैं जाके धरना चुकवाया, मैं चलो मैं एम सी ए गलती करती, उदो भी असं चलो बख्श दिता, फिर इन्होंने समझाया ताड़ना की तुम इदा किसी तो गरीबों तो पैसे ना मंगो। वो बाद इन्हें होले महल्ले जी कि सैकल स्टैंड की नजायज़ परची लाई, वह परचा भी दर्ज होया सरकार वालों, अपना परचा दर्ज पुलिस प्रशासन वालों परचा दर्ज किया गया, वो भी यही शह तो लगी। कमेटी के यही रौला पा रहे कि जो कि हरजोत बैंस साहब का फोन आ गया सीगा कि प्रधान जी आप बोली कैंसल कर दीए तो तुम अपने आप से परची कट्टो, सानू उन्हां दी गल चंगी लगी असी बोली कैंसल कर दी। पर इत्थे फिर भी साढ़े दबाव बना रहा सीगा कि ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी बनी हुई है दबाव बना बंटी वाली है दबाव बना, बिल्कुल सबूत है, सारे लोग दस रहे हैं, सबूत देवे समाज के सबूत भी देवे। बिल्कुल बिल्कुल दोष ला रहा, मैं बिल्कुल दोष ला रहा, बिल्कुल दोष ला रहा। की कर रहे हैं सारी दिहाड़ी कचहरी के बैठ के, होर एमसी नहीं जा रहा, सारे के वार्डा दी एनओसियां सारे के वार्डा दी रजिस्ट्रियां वो कर रहे हैं, क्यों बाकी एमसी को क्यों नहीं आ रहे लोग? हर टाइम उत्थे पक्के बैठे हुए हैं, उन्होंने उत्थे पूरी गण संड है सारे नाल, ते वो जदे मौके ते बुलांदे कि आओ जी रजिस्ट्री करो। इन्हां दी फीस विच जां तां उत्थे अर्जी मनीशे लै लैंदे आ ते जां फिर अपने आप ते। प्रधान जी जिहड़े दोष तुहाडे ते लाए आ पूरी सफाई दी जी जिहड़ी ब्लैकमेलिंग, उहदे च उहनां ने इक दोष लगाया जे पेवर्स जिहड़े टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हुण पाए आ उहदे जिहड़े पुराने पेवर निकाले गए आ ओह सारे दे सारे पेवर कित्थे आ, जां कि कमेटी जाणे चाहीदे सी? जी जी उहदा जवाब मैं दिंदा आ, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पट्टे है, सानू उन्हें पूछा सीगा जिहड़ी पेवर की हालत सी बड़ी खस्ता सी, साढ़े किसे काम दे नहीं सीगे, साढ़े कोल सरकारी स्कूलों वाले काफ़ी देर तो आ रहे कि साढ़े टाइलां लगवा दो, कुछ भी अपने कोलों लगवा दो, सीगा अपने कोल तो असीं लगवा नहीं सकते, बिच काफ़ी लंबा प्रोसैस है 52L की, सानू परमिशन लैनी पैंदी है। तो उन्होंने असीं जिवें स्कूल है अपना सीनियर सैकेंडरी गर्ल स्कूल, प्रायमरी गर्ल स्कूल, मटोर प्रायमरी स्कूल, शीर सिपाही परगन सिंह स्कूल, उपरला झिंजड़ी झिंजड़ी उपरली मिंडमा निकूवाल कीर्तपुर हाई स्कूल ते खालसा स्कूल, ये सारे स्कूलों के असी इन्हों कहता भी उन्होंने कहता कि असी पेपर तुम इन्हों दे दो,
वो टीचर ने अपने खर्चे से वह पेपर लगाए है क्योंकि यह सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों के गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये जिहड़ा साडा इलाका है सेम वाला इलाका नमी वाला इलाका, जो बच्चे नीचे बैठते कोई धुप छां दे विच जो बाहर क्लास लाउणी हुंदी है कोई बिजली ना हुंदी है, वह बेचारा कुड़ियां है उन्होंने कपड़े भी गिले हो जाते हैं, उहदे विच असीं उन्हां नूं इह जिहड़े पेपर भेजे है। जेकर इह गुनाह है तां असीं गुनाह बार बार करांगे। बड़ी गल कीती उहनी, हरेक काम का ई टेंडरिंग होंदी है, किसी भी काम नूं असीं टेंडर लगाते हैं, ऑनलाइन टेंडर हुंदा है पूरे हिंदुस्तान दे विच, जिहड़े भी पेपर पूरे करदा है कोई भी टेंडर भर सकदा है। कोई दो सोसाइटियां नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 सोसाइटियां होनियां, अलग अलग सोसाइटियां है, तो जिहड़े भी जिहदे भी पेपर वर्क पूरा हुंदा है उहदी आपां पहला टैक्नीकल बिड खुलदी है, जिहदे पेपर पूरे हुंदे उहदी फाइनैंशियल बिड खोल के जिसका रेट सब तो घट हुंदा है उहनूं कम दित्ता जांदा है। इह तां बच्चिआं इहदी गल्लां कर रहे इहनां नूं पता ही नहीं है। बाकी इह गल करदे आ जिहड़ी सीवर वाली गल है, बार बार मुद्दा सीवर वाला, उह सीवर नहीं ठीक करवाया प्रधान जी ने, इहनां नूं पता होना चाहीदा कि सीवर दा कम साडे कोल नहीं है, सीवर डिपार्टमेंट जल सप्लाई बोर्ड के कोल सीवर पानी का काम उन्होंने कोल है। कहते सीवर रुकण का कारण वो है कि जी बिना टेंडर तो बिना कॉन्ट्रैक्ट तो इतों चोई के उत्ते पूरी तोड़ के सीवर केड़ा सीवर के रुकेगा सीवर की होता बिल्कुल प्रोपर मता पास है, प्रोपर मते से जोड़ा काम होया है हरेक को मते हो टेंडर होए हुए हैं प्रोपर चलना काम किया जो ठीक है असं मानते हैं कि उन्होंने थोड़ी जी ढिला चल रहा काम, असी उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, चिट्ठी की मैं तुम्हें कॉपी भी भेज दिता है, तो उन्होंने असी दिन रोज़ लगभग असं उन्होंने जेई नाल अफसर नाल गल कर रहे कि जल्दी करो, असी भी असी ये मंग भी करते हैं अपने कैबिनेट मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैर जी को इस काम को जल्दी पूरा कराया जाए। बाकी ठीक है असं समझते हैं कि काम तो करके ही होना है, पाइपा तो जमीन के पिछे पैनिया बहुत सारे एम सिया कुछ रेप्यूटेड बंद जी बस स्टैंड को लैके खाली फील्ड तक मोड़ तक खोखे आते हैं वो लैके रख दिए गए हैं, जिहड़े तुहाडे कोल 500 रुपए की शायद पर्ची कटाते हैं, लेकिन वो उन्होंने खोखे अगे 3-3, 4-4 या 5-10 हज़ार रुपए तक भी जिहड़े मैं ये क्यों नहीं मेरे ध्यान में यह जी गल आई है, मेरे ध्यान हूँ 1-2 एप्लीकेशन आई हैं, मैं तुरंत उन्होंने कह दिता हूँ, मैं तुरंत कहा ईओ साहब ने कहा भी तुरंत उन्होंने सीधी पर्ची कट्टो, जो कोई लै रहा उन्होंने खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर, जिहड़ा भी है मैं बाकियों भी बेनती करदा जेकर कोई पैसे दे रहा है वो प्लीज़ साढ़े को आओ आके डायरैक्ट जो नगर कौंसल की पर्ची है जो कागजगर है साढ़े कोची कटाओ, जो कमेटी के पैसे उन्हें पैसे ले जाएंगे, किसी भी बंद पैसे ना देन। सब्जी मंडी वास्ते असी जगह जी है बाहर उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, पानी की पानी प्रोवाइड करवा दिता लाइट, मैं सुनो सुनो मैं दसदा है जिड़िया को अंदर जी आई हैं फिर हूँ आई असं उन्होंने दोबारा पुलिस प्रशासन भी कह के उन्होंने जल्दी बाहर करा दो, तो मैं अपने हूँ अफसर भी कह के जल्दी बाहर करा दो। जो 1 करोड़ कुछ जो अपने मते पास हुए टेंडर लगने जो एमसी फंड जो सूथे इनकम का साढ़े को सोर्स नहीं है, जो ग्रांट आती उहदे नाल काम होंदे एमसी फंड थोड़े बहुते जो पैसे आते उन्हें काम करा लेंगे, जिहड़े मते पास होए जदों साढ़े कोल पैसे आ चुके उस हिसाब नाल असीं टेंडर लगाई। इक वड्डा दोष होर आया उहनां ने वी तुसीं जिन्ने जदों मर्जी आ के रिकॉर्ड चैक कर लिया आवे, कोई सफाई सेवक कोई चेहता नहीं कोई कुछ नहीं, जिहड़े काम करदे आ उही रखे हुए आ और पूरे बंदे रखे हुए आ, जदों मर्जी जांच कराई हाजिर तैयार बैठे आ। शुरू तों नकारदा जी इह हुण इस टाइम इहदी पोजिशन जदों उपर ते इनकुआरी होनी ना कल्ले कल्ले टेंडर की इनकुआरी होनी ना जिहड़े ने चहेत्यां नूं टेंडर दिते आ, तुसीं दस्सो मेरी उकात 10 रुपए की हो मैं 100 रुपए का काम कर सकदा, मैं म्यूनसिपैलिटी का एमसी पार्क बना रहा, म्यूनसिपैलिटी का एमसी आंगनीवाड़ा बना रहा, म्यूनसिपैलिटी का एमसी जिहदी घरवाली है वो नाले बना रहा वड्डे वड्डे, ये किहदी बोली बुक्त है इहदी होई है, होर ठेकेदार ही नहीं है, यही दो ठेकेदार है औलखते नाले वड़वेल, तुसीं मैक्सीमम 100 चों 80 ना को ठेकेदार है, 80 ठेके ही ना को सिर्फ 20 थोड़े मेरे वर्गे होंगे ने, अच्छा चलो ठेकेदार करते नहीं है, वैसे मैं पता है भी ये करता काम ये हुणी दी हाथ साडा पै गया भाई दे गर्दन नूं, असी ये गर्दन दबनी दबनी है, ये असी सरकार तो मंग करते हैं, मैं विजिलेंस तो मंग करता, मैं IB तो मंग करता, CBI तो मंग करता भी इहदी इक पाई पाई की इनकुआरी करके ये जिन्ने इन्हें पैसे लोगों के लुटे और वापस म्यूनसिपैलिटी आए तो लोगों सहारा, मेरी यही मांग है जे असी दोषी है तो सानू सज़ा मिले, MC सारे कट्ठे है
अज उन्हें गहरा कर ले कोई बड़ी गल नहीं, साढ़े भरा है असी हूँ असं भी उन्होंने ही है बोलता कोई कोई है। धन्यवाद। देखो लोगों असी है हर वेले अवेलेबल, लोग सानू फोन करते जिते कहते असी आ जाने, जे किसी तो आनंदपुर साहब किसी 500 रुपया लिया हो असी देनदार है साढ़े शहर का। इन्हों के वार्ड के भी लोग सानू फोन करते, ये तो अपनी गड्डिया कार घूमते, एक कभी आनंदपुर साहब पैदल घूमया प्रधान अपनी गड्डी च अपने घर तो लैके दफ्तर तक गड्डी जाता है उत्थे तो यह गड्डी चल जाता। इनू क्या पता शहर का, इनू क्या पता लोगों दियां मुश्किलों का, यह हर वेले गड्डियां च है। सानू पता है ये किन्नी औकात का मालिक था, ये सानू पता है क्या काम करता सी पहले, ये जिन्हों पहले बाप कहता सी ना मेरा बाप है साडा सारा एको बाप है, उस बाप उन्हें छड़ता, वो बाप ही हुण जुत्तियां मारदा ना, उहदे नाल इहदी हैगी है ना उह ही मूँह लाउंदा। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੌਂ ਹੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 24,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ 2 MC ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਨੂਰ ਪਰ ਚਾਹੇ ਚਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ 10,000 ਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ CBI ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਖਲਾਟ ਹੋਇਆ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਲਟਾਵਾ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ 500 ਦੀ, 1,000 ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ 8,000 ਰਹਿੰਦੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 22 ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਫੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, 22 ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, MC 11 ਹੈ, ਅਸੀਂ 13 ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 13 ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ MC ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਅਸੂਗੀ। ਸੋ ਬਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਖਲਾਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ PC ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਗ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਪੇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪੇਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਪੇਵਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ NOC ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ EO ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ JEE ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ NOC ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ NOCਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ NOC ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ NOC ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ NOC ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ? ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ NOC ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਮੈਂ NOC ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ।
इन्हें लोग इनिया जमीन बनाइया एक कलोनिया करता एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता असी इन कुछ नहीं कहते यह बना अपना बिजनेस करता असी अपना बिजनेस करते सानू कोई इतराज नहीं है। असी तो म्यूनसिपल कमेटी के कामों बारे पूछा करते सानू लोगों ने चुन के भेजे असी तो उन्होंने जवाब मंगते उसका जवाब ही नहीं देखो